लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। टिकट कट गया तो आप लोगों के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिलना चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत किया था। बहुत दुख है मुझे, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। टिकट बंटवारे के बाद अब नामांकन होना शुरू हो चुका है, लेकिन लगभग सीट के बंटवारे से कार्यकर्ता खुश नहीं है। जो लगातार क्षेत्र में मेहनत करने का दावा ठोक रहे थे, उनका टिकट गोल कर दिया गया है, जिसके बाद उसी क्षेत्र से कई नेता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतर जा रहे हैं। लेकिन सिवान के गोरिया कोठी विधानसभा से राजद से दावेदारी कर रहे विपिन कुशवाहा ने पार्टी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। यहां तक कि क्षेत्र के जनता और नौजवानों की जुबान पर विपिन कुशवाहा का ही नाम सुनने को मिल रहा है। लेकिन पार्टी ने इस बार विपिन कुशवाहा को गोरिया कोठी से टिकट न देकर राजद के अन्य को टिकट दे दिया है, जिससे विपिन कुशवाहा काफी उदास हैं। जिनके आंखों में आंसू साफ साफ झलक रही थी, उसके बावजूद भी विपिन कुशवाहा ने राजद का साथ देने का ऐलान किया है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपिन कुशवाहा ने जानकारी दी। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। सफलता तो मुझे मिल गई थी, बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सफलता मिल चुका था, मुझे टिकट मिल चुका था, मिलने ही वाला था, यानी कि मुझे उसका एविडेंस भी है मेरे पास। मुझे कॉल भी आ गया था कि आप कागज तैयार कीजिए, आप जो भी सर्टिफाई कॉपी होता है, जो भी कागज का मुझे मांगा गया था वो मैं तैयार कर चुका था। लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहता है, किसी कारणवश मेरा टिकट कट गया। तो आप लोगों के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिलना चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत किया था। खैर कोई बात नहीं है, मेरा टिकट कट गया, दूसरे किसी को मिल गया। मैं राजद के एक मजबूत स्तंभ हूँ, मैं ही नहीं, मैं कोई अवसरवादी नहीं हूँ सर। मेरे फादर अपना पूरा जिंदगी राजद में दिया है, वैसे ही मैं भी हूँ, कोई मैं चाय पे बदलने वालों में से नहीं हूँ। बहुत दुख है मुझे, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज कल ही करना था मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। बहुत दिनों से आप लोग जानते होंगे कि कोरोना काल से लेकर के बाढ़ में भी हमने प्रत्येक जगह जाने का काम किया है। हमारे साथ सबसे मुझे अब अभी खुशी ये हो रही है कि आज के डेट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे चारों तरफ जितने हमारे युवा साथी हैं, हमारे गार्जियन लोग हैं, उस पानी में जहाँ जोक जहाँ सांप बिच्छू घूमते थे, हम लोग जा करके उन लोगों को जो हमसे बन पड़ा हम लोगों ने दिया किया। 22 लाख रुपए मैंने अभी तक खर्च किया है। खैर कोई बात नहीं है, हमने पार्टी का झंडा लगा करके वहाँ पे मेहनत किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है मेरे लिए। मेरे लिए मैडम हिना साहब को मैं माँ मानता हूँ, हमारे अवध बिहारी चौधरी जी को मैं अपने गार्जियन मानता हूँ, और जो मेरा शीर्ष नेतृत्व है, जो उन्होंने निर्णय लिया है, किसी दूसरे को टिकट दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और मैं पार्टी के हूँ, पार्टी के बदौलत हूँ, मैं पार्टी का प्रत्येक जगह जाकर के काम करूँगा। उन पर भी कई सारे आरोप लगते हैं कि वो किसी अन्य दल से आकर के और राजद से पैराशूट के माध्यम से वो टिकट लेके आ गए, तो फिर उस कंडीशन में कार्यकर्ता कैसे राजद के लिए वोट करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे, कैसे समझा पाएंगे कार्यकर्ताओं को आप? कार्यकर्ता में तो बहुत रोष है, बहुत लोगों में विद्रोह है अभी कि उनको टिकट मिला है, वो काम नहीं किए हैं। देखिए मैं उन पे ज़्यादा टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा जिनको शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दे दिया है। अब वो कितना इफेक्टिव अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के बीच, जा करके अपने आप को बताते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उनके ऊपर है। उनके तरफ से कोई आपको कॉल या आपसे मीटिंग हुई हो कि समर्थन देने का, ऐसा कुछ आया? अभी तक तो मुझे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एकाध घंटा पहले मुझे कॉल आया था, एकाध घंटा पहले। मैं सिवान गया हुआ था, मैं कल से घर पे ही हूँ, मुझे किसी प्रकार से उनका कोई कॉल नहीं आया और ना ही हमसे मिलने आए। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है,
हम कोई बड़े आदमी नहीं है कि हमसे वो मिलने आएंगे। मैं एक पार्टी का मेन कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का प्रचार करूँ। राजद के अन्य कार्यकर्ता भी निर्दलीय चुनाव में आ रहे हैं, उस परिस्थिति में राजद यहाँ से सीट कैसे निकाल पाएगी या कार्यकर्ताओं को कैसे समझा पाएंगे ये लोग जब कई भागों में बटेंगे ये वोट? देखिए, अब इस पे तो मैं क्या कह सकता हूँ कितने भागों में बटेंगे। ये यदि काम की होंगी या इनका पूरा परिवार काम किया होगा तो इनको बिल्कुल वोट मिलेगा। और जो प्रत्याशी आ रहे हैं, ये लोकतंत्र है सर, इस लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता, मैं भी लड़ सकता था और ज़्यादा इफेक्टेड में साबित हो सकता था इसमें, इस चुनाव में। लेकिन मैं एक पार्टी का बैनर तले हूँ, मैं अवसरवादी नहीं हूँ, लेकिन यही लोग, जितने लोग थे यहाँ जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या जो भी चुनाव टिकट पे लड़ रहे हैं, सारे लोग बोलते थे कि यदि टिकट नहीं देगी पार्टी ना तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं कभी भी किसी के घर पे जाकर के ये नहीं बोला हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, पहले भी था, मैंने ये नहीं बोला था कि निर्दलीय मैं लड़ूंगा, मैं आज भी साथ हूँ, आगे भी हूँ। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि विपिन कुशवाहा को सब कुछ कह दिया गया कि आप सारा कागज तैयार कर लीजिए और अचानक उनका टिकट काट दिया गया? राजद पर खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं, पैसे से टिकट देने के भी आरोप लग रहे हैं। नहीं सर, राजद पार्टी जो है ना, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, दलितों की पार्टी है, उनके उत्थान के लिए काम करती है, उनके बढ़ाने के लिए काम करती है, एक मजबूत स्तंभ में काम करती है। ये पार्टी पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा से टिकट बिक गया, ये हो गया वो गया, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। वो शीर्ष नेतृत्व देखा है कि नहीं उनको टिकट देना चाहिए, तो बिल्कुल उनको मिला है, मुझे नहीं मिला। तो हूँ आपके बातों से मैं सहमत हूँ कि जो कार्य कर रहे हैं, इतने दिनों से कार्य किए, उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी की सर अपनी अपनी बात होती है, शीर्ष नेतृत्व का बात है कि वो लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सरकार बनाना है। वहाँ से हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं सर, हम लोगों से काफ़ी इंटेलिजेंट और तेज तरार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे भारत के मजे हुए लोग बैठे हुए हैं। अब किस प्रकार से सरकार को बनाना है उन लोगों को सोचना है, इसलिए टिकट वो लोग देख करके ही देते हैं कि सरकार हमारी बने। सर कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जीत हासिल करने में कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी कमज़ोर पड़ जाएंगे और सरकार बनाने में आप कमज़ोर हो सकते हैं। देखिए सर, वो कितना काम किए हैं और किस प्रकार से अपने आप को जनता के प्रति इंट्रोड्यूस करते हैं और कितनी उनके अंदर क्वालिटी है वो लीडरशिप का, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं कि लीडरशिप की ये क्वालिटियां हैं। अब उनके अंदर वो कितना है, किस प्रकार से अपने आप पास खींच लेते हैं, टिकट ले लेना वो अलग बात है, लेकिन सर्टिफिकेट तो सर जनता ही देती है। वो यदि काम किए होंगे तो नो डाउट मिलेगा ही मिलेगा। अपने प्रचार के दौरान भिट्ठी पंचायत मॉडल का जिक्र वो बार बार कह रहे हैं, उसी मॉडल पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भिट्ठी पंचायत मॉडल के बारे में आप क्या कहेंगे विकास को लेकर? मुझे तो नहीं पता है भिट्ठी मॉडल क्या है, कौन क्या चीज़ क्या है, मुझे उसका कोई पता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा सर एक बात बोल दूंगा आपको, क्या उस पंचायत में काम हुए हैं उसके लिए आप तो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, तो मैं वहाँ पे उनके मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं, विकास मॉडल कौन सा, विकास मॉडल है, क्या किए हैं नहीं किए हैं सर, उन्हीं से पूछिएगा। मैं तो बीजेपी पे टिकट टिप्पणी करता ही नहीं हूँ, मेरे विरोधी हैं उस पर हम टिकट टिप्पणी करते ही नहीं, फिर भी वो मेरे पार्टी का सिंबल लेके आए हैं, क्या टिकट टिप्पणी उन पर करूँगा। चुनाव जीते मेरी शुभकामना है। तो कहीं ना कहीं विपिन कुशवाहा अंदर से आंसू बहा रहे हैं टिकट नहीं मिलने पर, तो जनता से क्या अपील करेंगे? आंसू बहाने की बात नहीं है सर, मैंने मेहनत किया था और सबसे बड़ी बात मेरे लोगों ने भुजा और समोसा खा करके उस पानी में या हमारा साथ दिया है, पार्टी का साथ दिया है। खैर कोई बात नहीं है, हम जनता से यही अपील करेंगे कि हम लोग आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, हमारी पार्टी की सरकार बने, इसी में मेरी भी सब लोगों की भलाई है, हम लोग लग जाएं और लग करके सरकार बने। क्या विपिन कुशवाहा जी को ये ऐसा लगता है कि वो उसी तरीके से जो प्रत्याशी अभी राजद के आए हैं, जिस तरीके से विपिन कुशवाहा समोसा और भुजा पे लोगों के साथ जुड़ के अपने पार्टी को मजबूत किए, तो क्या वो प्रत्याशी कर पाएंगे वैसे मजबूत भुजा और समोसा पे? यदि सर उनका अपना बनाया हुआ होगा ना कि हम कितने लोगों को बनाए हैं, तो नो डाउट उनके साथ भी लोग ले जाएंगे और जाकर के उनके साथ काम करेंगे। लेकिन मेरे साथ आज भी जितने लोग हैं आप देख लीजिए, आज भी उसी अनुसार से मजबूती के साथ खड़े हैं जैसे पहले थे। हमको टिकट नहीं भी मिला है तो हमारे साथ वैसे ही मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं इससे खुश हूँ।